हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, अंकित गुप्ता के लिए सड़कों पर उतरे फैंस, कलर्स टीवी के बाहर किया प्रदर्शन, घुटने टेकने पड़े आखिरकार और किसी को नहीं बल्कि कलर्स वालों को। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी दिलचस्प अपडेट आ रही है सामने। वीएकॉम ऑफिस यानी कि प्रोडक्शन हाउस वीएकॉम ऑफिस के बाहर अंकित गुप्ता के फैंस लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। लगातार हाथ में पोस्टर्स लिए फैंस डिमांड कर रहे हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर अंकित को वापस से लाया जाए। अंकित का इविक्शन पूरे तरीके से अनफेयर था। जनता डिमांड्स अंकित करके ना सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर इस वक्त ट्रेंड हो रहे हैं अंकित गुप्ता। हैशटैग नो अंकित नो बिग बॉस के नाम से लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि फैंस यहां पे जो वोटिंग का पूरा लिस्ट है, जो वोटिंग परसेंटेज है, जो जो लोग आखिरी नॉमिनेशन के दौरान नॉमिनेटेड थे और हर एक कॉन्टेस्टेंट को कितने परसेंट वोट्स मिले, इस कंप्लीट स्क्रीनशॉट को बड़े बड़े पोस्टर्स बनाकर दिखा रहे हैं सड़कों पर कि कितना ज़्यादा अनफेयर इविक्शन किया है यहाँ पे बिग बॉस ने और ज़बरदस्ती निकाला है घर के बाहर। और लगातार डिमांड हो रही है कि अंकित गुप्ता को घर के अंदर वापस से लाया जाए। वेल दोस्तों, फैंस के इस प्रोटेस्ट का बड़ा असर हुआ है वीएकॉम ऑफिस के बाहर वीएकॉम के मालिक के ऊपर, कलर्स टीवी को। कहा जा रहा है कि कलर्स टीवी को चेतावनी मिली है कि वो अंकित गुप्ता के अनफेयर इविक्शन को वापस लें और बिग बॉस के घर के अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री अंकित गुप्ता की ज़रूर होनी चाहिए और साथ ही साथ अंकित गुप्ता के साथ जो अनफेयर डिसीजन लिया गया वो ना हो। दोस्तों हाल ही में जब अंकित गुप्ता घर के बाहर आए थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करके इस बात को साफ किया था कि बिग बॉस के मेकर्स ने अंदर ही अंदर एलिमिनेट करके लोगों से कॉन्टेस्टेंट्स को एकजुट करके मेरा इविक्शन करवाया है, वरना आप लोग भी जानते हैं कि अगर वोटिंग के ज़रिए मुझे बाहर निकाला जाता तो मेरे फैंस मुझे बाहर नहीं आने देते। और जिस तरह से अंकित के इविक्शन पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि अंकित के फैंस उन्हें कितना ज़्यादा चाहते हैं और उनको बिग बॉस में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। वेल दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या फैंस का प्रोटेस्ट सही है या फिर अंकित गुप्ता का एलिमिनेशन सही है? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।